यूसुफ खान, अबे यूसुफ खान, बड़े यूसुफ खान, बाहर निकल। कौन है बे? महाजन, यूसुफ खान नहीं, यूसुफ राम बोलो, यूसुफ राम। अबे यूसुफ खान है या यूसुफ राम है, जल्दी से बाहर निकल, नहीं तो बाल बच्चों के समेत बाहर फिकवा दूंगा। चले। बाहर क्यों फेंकता है, अंदर के अंदर मामला साफ करो। नहीं हे, सीधी तरह से बाहर निकला था कि अंदर घुसी। चुप बे, तेरे बाप का राज है क्या? बाप का नहीं, यहाँ मेरा राज है, मैं इस गांव का महाजन हूँ। और तेरी हैसियत क्या है? तू तो एक चूटा है, कीड़ा है, लामकोड़ा है। क्या बोला? किसी ने भी अंदर छांकने की कोशिश की ना तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, क्या समझे? तू तो एक बार गर्दन उड़ाएगा ना, हम चाहे तो महाजन की 10 बार गर्दन उड़ा दे। क्यों महाजन जी? क्या बकता है हरामी साला कहीं का? ए यूसुफ खान, मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, मकान खाली कर दे, वरना तू क्या उखाड़ लेगा? मैं इस मकान में 20 साल से रहता हूँ महाजन, ये मकान अब सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे बाल बच्चों का भी हो गया है। और अगर तुमको यकीन नहीं आता ना तो पढ़ो वो बोर्ड। रहे उसका घर गंगा राम। गंगा राम, तो ये काम गंगा राम का है। अबे अब बिहारी के बच्चे, तू फिर आ गया इस खेत में। मैंने तुझसे कहा था कि दोबारा यहाँ आया तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। हाँ, अब बताओ तो हाँ, दाई टांग तोड़ी कि बाई? अरे बड़ी डिटेल में दाया बाया क्या, होलसेल में सभी टांगे तोड़ दो, नी जाने ही खत्म। अबे चाचा, बहुत देखे टांगे तोड़ने वाले, ज्यादा बकबक की तो तुम सबको इसी जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? ए गाड़ने की बात मत कर, तू तो एक बार गाड़ेगा ना। अरे हम चाहे तो महाजन को जमीन में 10 बार गाड़ दे। क्यों महाजन जी? हरामी साला, अबे अब भिख मांगे की औलाद, भूल गया? आज से 10 साल पहले तू हाथ पसारे मेरी चौखट पर आया था और मैंने तुझे जमीन दे दी जोतने के लिए, अब ये तेरी हो गई। हाँ हाँ महाजन, 10 साल से इस जमीन को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है, अब ये मेरी ही नहीं, मेरे पोते की भी हो गई है, समझे? अगर यकीन नहीं आता तो बोर्ड पर। मैंने जिसकी खेती उसकी। अच्छा, तो ये पट्टी भी तुझे गंगा राम ने ही पढ़ाई है? बड़ी साई, इधर पट्टी उधर पट्टी, ये गंगा राम कोई मलम पट्टी वाला है क्या? अरे इस बात में कुछ दम नहीं है, समझी? दूध तुम्हारा और पिए दूसरे, उनके बच्चे मोटे मोटे होते जा रहे हैं और तुम्हारा अपना बच्चा दुबला पतला होता जा रहा है, इस बात पर कुछ शर्म कर। अरे मैं तो कहता हूँ, जिसकी गोद उसका दूध, यही तुम्हारा नारा होना चाहिए। क्या? जिसकी गोद उसका, बोल, जिसकी गोद उसका, उसका उसका तू क्या बोलेगी? अरे तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, भैंस बराबर। अरे ये ब्याह से काम नहीं चलने वाला, इन गांव वालों को तू नहीं जानती, ये तो तुम्हारा दूध तो दूध मगर गोबर तक नहीं छोड़ते, उसका भी गोबर गैस बना लेते हैं, गोबर गैस। गंगा गैस छोड़, गैस गैस कहां से छोड़ू गैस? अरे अरे ये क्या है, इतनी सारी दारू, सर से पांव तक सब कुछ हिला के नाच रहे हो, तुम लोगों को भूत बाधा लगी है क्या? ये भूत बाधा नहीं है लल्लू राम, हमें तो प्रेम रोग लगा है। प्रेम रोग? ये कोई चमड़ी की बीमारी है क्या? वैसे ही समझो, तुम्हें कभी लगी है? हमें? सी, हम तो बड़े साफ सुथरे आदमी हैं। अरे तो फिर तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया? प्यार क्यों नहीं किया, क्या है प्यार किया है? बुलाओ मेरे लैला को। अरे ओ लैला, अरे ओ लैला, तुहार माई की, ओ लैला, ओ लैला। अरे पहचान नहीं क्या? अभी आएगी। अरे ओ लैला, अरे घबराओ मत, तो आपके ऊपर चढ़ने वाली नहीं है,
हेलो ठहरो। अरे 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 अरे, इतने क्यों घबराते हो? वो आपको मारने वाली नहीं है। क्या तुम भैंस से शादी करने वाले हो? लो, मैं भैंसा हूँ क्या? अरे हम काहे की शादी करने वाले? हमारे बाप की भी शादी नहीं हुई, ऐसा हमारे माई ने कहा था, तो हमारे कहा से शादी होगी? तुम तो नसीबान हो। हाँ, अरे हमारे पास तो एक भी गुड़िया नहीं है, तुम्हारे पास देखो दो दो चिड़िया है। हाँ, लेकिन मैं पूछती हूँ, कौन पड़ा होगा तुम्हारी इस लैला के पीछे? होगा कोई मजनू भैसा। हाँ, अरे गंगिया की माँ। अच्छा, तो तू था? अरे पूरे गांव में तुझे और कोई नहीं मिली जो इसके पीछे लगा? अगर इसी के पीछे लगना था तो भैसे का जन्म क्यों नहीं लिया? चुप। हाँ, अगर तूने कभी अपनी लैला को अकेले छोड़ा तो मैं सारे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, इस गांव में रहने के काबिल ही रखूंगा। अरे जा जा, अगर तेरा जीना हराम नहीं किया तो मैं भी एक बाप की नहीं। बाप की बात मत कर, तू तो एक बाप की होगी, हमारे महाजन जी तो 10 बाप के हैं। क्यों महाजन? हाँ है, सारा हरामी कहीं का। सुन गंगिया की माँ, तूने शाम की दुम पर पांव रखा है, बहुत बुरा किया है। तू? हाँ। और सांप? हाँ। अरे तू तो गांडूल है, गांडूल केचुआ। मैं केचुआ? अरे देख लूंगा तेरे को। अरे जा। अरे चलो, गांडूल केचुआ। बकार कमीना, बड़ा या धमकाने वाला, इसको गांव में रहना मुश्किल कर दूंगी। ए माई, महाजन गया। अच्छा, तो तू यहाँ छुपा हुआ था, डरपोक कहीं का। कौन डरपोक? अरे तुम मेरे गुस्से को जानती नहीं। हाँ। मेरे हाथ से अगर महाजन का राम नाम सत्य हो जाता तो मुझे 6 महीने की जेल और तुझे 2 साल की फांसी हो जाती, समझी? तेरे अक्ल पे पड़ गए पत्थर। पत्थर? मुर्गी लेकर जा और ममदा के दुकान से काट कर ला। मुर्गी लेकर जा? हाँ। मगर वो महाजन को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। तू जा पहले। मैं साले को बराबर पहले मुर्गी काट कर ला। हाँ। अरे उधर कहाँ जाता है, यहाँ अपने घर की। ये मुर्गी? हाँ। ए माई, हाँ? घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अभी जाता है कि नहीं? जा जल्दी। ए माई जा। अरे टोकरी में है क्या हराम दादी? अंडा? ए माई, अरे अंडा है, मुर्गी नहीं है। आ? मुर्गी नहीं? अरे देख तो कहाँ भाग गई। मालूम नहीं कहाँ भाग गई है वो। अरे दो चिल्लाती है। हाँ चिल्लाती है। अरे है कहाँ? अभी मुझे याद आ गया, कहाँ है वो? पकड़ लेना बराबर, अंदर भी नहीं। ये देखो, हराम दादी उल्टी बैठी है अंदर, देखा? अरे इसको हाथी नहीं बल्कि भेजा भी है। तो अब मेरा भेजा मत चाट, जा जल्दी से काट कर ले। अभी काट के लाता हूँ, सब जाते हैं किधर? अरे जल्दी निकाल। अरे जोर से पकड़ा इसने। कमाल का लड़का है। बड़ी दुकान खोलने का समय तो देखो नहीं। सच पूछो तो इस हराम खोर को तुम लोगों ने ही सर पे चढ़ा रखा है। 11 बज गए अभी तक दुकान नहीं खोली। अरे ओ मंदिया साईं, दरवाजा तो खोल, देख कितनी बड़ी लाइन लगी है, दरवाजा तो खोल। अरे ओ मंदिया, अरे ओ मंदिया साईं, दरवाजा खोल, दरवाजा।
अरे बड़ी, ये ममदिया कहीं शंकर भगवान के आगे तो नहीं नमाज पढ़ रहा? अरे उसकी तीसरी आंख खुल गई तो भस्म हो जाएगा। कौन बोला रे? हाँ? क्या बोला रे साला? क्या बोला रे? शंकर भगवान के आगे नमाज पढ़ रहा था। जो प्रेस साला, तुम लोग का 33 करोड़ भगवान में से अपन एक शंकर भगवान ले लिया, तुमको जलन होता साला? खुद जाता है तुम लोग हाजी मलंगा टेकड़ी के ऊपर साला नाक पीसने के वास्ते? अपन कुछ बोला नहीं। मैं मत्ती जला के साला तुम ऐसे ऐसे करता, अपन कुछ बोला नहीं, नहीं। साला जास्ती बात करेगा, खिम्मा बनाएगा। समझ ये बात नहीं है। चुप साला, हल कर लोग। खुद तो साला देव धर्म में मानता नहीं तुम लोग। अपन बेचारा गरीब आदमी मांगता है, हमारा टिंगल तिवारी करता है, मस्ती उड़ाता है। ममदिया बात तो सुनो। अरे नहीं सुनने का आपने कुछ भी, अपन दुकान बंद करता है, खत्म। बस हमको नहीं सुनने का, हल कर लोग। दद्दा गर्म क्यों होता है? हमने तुमको गाली थोड़ा दिया है। गाली देगा तू मेरे को? गाली देगा हलकट? देख देख तो तू क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, इधर से पकड़ेगा तेरे को, चीरा मारेगा, उसके बाद तेरा खाल पकड़ के कर करके नीचे तक फेंक डालेगा, उसके बाद इधर टांग देगा तेरे को, ऐसा ऐसा टांग देगा तेरे को। तेरा गोशाला बेचेगा गांव वाले लोग को 7.5 किलो, कोई नहीं खरीदेगा। और तेरा कपूर है ना, खिला देगा तेरे कुतरे को फोकट में, समझा? क्या लाया रे? तुम मुर्गी लाए? लाया तो इधर देना, तुम लोग फुटा जाते। ये किसकी मुर्गी है रे? ये हमार मुर्गी है। अब बोल, काटू कि नहीं काटू? पूछत का काटे खाचू तो ला। अरे पूछने को तो मांगता है ना साला। अब बोलिए, पाप के अपने सर पे लेगा नहीं लेगा? तेरे से पूछ के काटेगा, बोल काटू कि नहीं काटू? हाँ काटे खाती लाए। ऐसा बोलने को मांगता है, समझा कि नहीं? चल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कौन बोला रे? आजू रे, क्या बोला रे गंगिया को? कौन बोला गंगिया को कुछ? गुंडी काट के बेच डालेगा साला। हाँ वो घर का मुर्गी मालूम? बंद कर देगा दुकान पकान, पकड़ तेरा मुर्गी। क्या गंगिया कैसे रे? माई ने भेजी काटने के लिए। अरे ये तो मरेली मुर्गी है। मरेली बोलती है? हाँ बोलती है ना। चला काटू? नहीं नहीं मैं काटू। तू काटेगा? तू पकड़ ले, तू पकड़ ले। अच्छा मुझे मालूम है। गंगिया 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 क्या काट रहा है तू? काटू क्या? अरे पूछता क्या है, काटना पूछना पड़ेगा। ये पाप मैं सर पे लेने वाला नहीं हूँ। बस क्या काटू क्या? अपने साथ ही मस्ती। क्या गंगिया गई गई? अरे बोरी बंदर साला। दिखाई नहीं देता बोरी बंदर साला। ठहर, क्यों बे मुच्छड़, जवानी आई क्या साला? हाँ ले चल। हाँ बोल रहे, तेरा कितना निकालो? बड़ी मटन की बात छोड़ो, आज की ताजा खबर सुनो। सुना? वो तुम्हारा दोस्त है ना गंगिया, सबके सामने तुम्हें माँ बहन की गालियां दे रहा था। गंगिया मेरे को गालियां दे रहा था? हाँ मैंने अपनी आंखों से नहीं, 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 कानों से सुना। बकरे की कसम, हाथ निकालते के चाप निकाल के बेचू तेरा साला। मेरी कसम, मेरे बाप की कसम। मेरा एक शेर सुनता है क्या? गंगिया के बारे में कभी ना कहना झूठ, तेरा कीमा बनने से पहले तू यहाँ से ये धार देखता है क्या रे? ये साला अदला बना के बेचेगा तेरा। ए मेरा चाकू का धार देखता है क्या? एक घाव 10 टुकड़ा, कैसा लगता मेरा मुकड़ा? आई 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 जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। हाय
साला बोरी बंदर ले। हंसता तुरला खिखी करके दांत निकालता है बकरे के माफिक, दांत उगाड़ के हाथ में दे देगा साला। तुम लोग है क्या तुम लोग? एक मामूली औरत आई, एक मरद के थोबड़े के ऊपर थप्पड़ आई 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 थप्पड़ मारा, और तुम लोग साला इधर खड़े रह के देखता है, उसका हाथ नहीं पकड़ा तुम लोग। ए, एक शेर बोलू क्या? हाँ, सुना, सुना। मैं मर्द हूँ, मेरी छाती फौलाद है, और तुम लोग सब हिजड़े की औलाद है। चुप, चला हंसता क्या है? दुकान हिज बंद करता है। मैं दुकान क्या बंद करता है? मर्द का बच्चा है तो गंगे की जबान बंद कर। ए ममदिया, ये क्या तेरी दादागिरी है रे? मेरी आंख फूट के बाप। मैं थोड़ा दुखेगा। फिर आ गए पिटके। अरे ना मर दो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं, और उस कसाई के बच्चे की एक एक फाल नहीं उखाड़ सके उसका। बड़ी साई, हाँ, एक बार तुम ट्राई मार के देखो। नी क्या बकता है? अरे हराम जादो, अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहा तो ममता कसाई है ना, वो तो मुझे बकरे की तरह उल्टा टांग देगा। इसलिए मैंने रामगढ़ से एक पेशावर हत्यारा बुलाया। यही है वो शेर का बच्चा। शेर का बच्चा? हाँ। बड़ी साईं, इसकी माँ जंगल में गई थी या शेर घर पे आया था? अबे उल्लू के बच्चे, इसके बाप का नाम शेर सिंह है। बोलिए क्या पियेंगे, ठंडा या गरम? पीऊंगा मगर चाय नहीं, अपने शिकार का गरम खून पीऊंगा। कहाँ है वो शिकार? बैठा है। अच्छा ये है कला बचके, बड़ा खतरनाक आदमी है। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। बड़ी अपने साथ हमें क्यों मरवाता है? हम यही ठीक है, हम यही ठीक है, यही ठीक। डरपोक सालों, जा 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 जा। अबे ओ मोटे मच्छर, सुना है तुमने गांव में बहुत उद्दम मचा के रखा है, जरा मुंडे फिरा के यहाँ देख, तेरी मौत तुझे बुला रही है, और इस मौत का नाम है कालिया। सुना तुमने, मुझे कालिया कहते हैं। क्यों बे कालिया, भूल गया क्या? आप यहाँ कितने आदमी थे रे? तीन आदमी थे सदर। वो देख भाग रहे, भाग रहे। तो तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब लगता है सारा गांव तेरा गोश्त खाएगा। कम से कम 100-150 किलो तो निकलेगा। ने क्या करूं तेरा, पहले अदला निकालूं कि खीमा बनाऊं तेरा? तेरा क्या होगा कालिया? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अबे ओ महाजन, किस उल्लू के पट्टे ने कहा तुम्हें कि वो ममदू कसाई है? अरे वो तो गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह। लगता है डकैती का धंधा छोड़ के उसने कसाई का धंधा पकड़ लिया है। अरे कोई भी धंधा पकड़ा हो, क्या तुम उसे काबू में नहीं ला सकते? नहीं, हिंदुस्तान में सिर्फ तीन आदमी उसे काबू में ला सकते हैं। तीन? कौन तीन? संजीव कुमार हो, धर्मेंद्र हो, और अमिताभ बच्चन। अगर वो तुम्हारे बजट में आते हो तो उन्हें बुलाओ, मैं तो चला। नहीं नहीं, इतना बजट हमारे पास नहीं है। ए, 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 कौन बोली? किसने बत्तीसी खोली? थोबड़ा तोड़ दूंगी एक एक का। कान खोलकर सुन लो सब, हमेशा मेरा ही पहला नंबर होगा। क्यों? क्यों?
क्यों? ये कलसी चांदी की है, सोने के लिए क्या आओ और मेरे आगे नंबर लगाओ, समझी गोरी बंदर कहीं किस। हाँ। ये पूरा का पूरा माल महाजन के खेत का ही दिखता है। तुझे क्या मालूम? क्या मालूम याने? ये देखो ये छोटी भिंडी महाजन की है, ये बड़े बड़े बैंगन महाजन के सिवा और किसी के हो ही नहीं सकते। निकाल निकाल। आ, क्या बैंगन निकालूं? पैसा निकाल पैसा। हाँ निकालता हूँ, इतनी क्यों चिल्लाती है, पैसा निकाल। पाँच रुपया बारह आना। अरे बाप रे इतनी महंगा हो गई क्या? ले ले वापस दे पैसा, महाजन का ही है ना। और कुछ बोलने का महाजन को? कुछ बोलने का नहीं। हाँ जाता हूँ, इतनी मोटी हुई फिर भी धंधा करती है। पाँच रुपया बारह अंधे कैसा लगा? बंदर साला। मेरे गंगा का सर पत्थर जैसा इसलिए बच गया, अगर दूसरा कोई होता तो वही मर जाता। इस गंगी के बच्ची को बहुत चर्बी आ गई, उसकी चर्बी का तेल नहीं निकाला तो मुझे कहना। अरे चाची किसका तेल निकालने का है, अपुन को बोल चले बाजू हट के सर। आ चाची अपुन को बोल दे तू अपुन निकालता है। आ हा 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 चाची, आ हा 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 हा, क्या सेवैया बनाती चाची तू, रेशमी सेवैया रेशम। अरे ये देख, ये सेवैया देख, जैसे बरसात के अंदर वो कीड़ा निकलता ना गांडूल गांडूल, वैसी एकदम। तू कैसे आया? चाची ऐसा है कि बाहर से देखा तो तेरे घर में भीड़ नजर आई। हाँ? मैं समझा मैयत हो गई तेरी, मैं फातिहा पढ़ने के लिए आया था। क्या अपने धंधे पे? चाची धंधा काहे का, कैसी बात करती है, आज शनिचर है, आज मंदिर में जाऊंगा मैं। हाँ कल मस्जिद में गया होगा, आज मंदिर में। अरे ये मस्जिद और मंदिर के चक्कर में तेरा धंधा कैसे चलेगा? अरे चाची धंधा तो ऊपर वाले की दुआ से चलेगा, आपस की बात है, बात बाहर न जाने पाए। मैं ईश्वर और अल्लाह दोनों के पीछे पड़ा हूँ। क्यों? देख दोनों में से एक तो मिल जाएगा मेरे को, मैं उसे पूछेगा कि तूने अपनी संतान के बीच में ये धर्म जात पात की दीवार काई को खड़ा कर दी। हाँ और चाची यकीन मानेगी तू, दोनों के पास उसका जवाब नहीं मिलेगा। अरे वाह तू तो बड़ा पंडित बन गया। गाली मत देना चाची, गाली मत देना, ये पंडित और मौलवी लोग का अक्का लफड़ा खेला है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे पर लेकिन आया था किस लिए? मैं? अरे जो कहने की बात थी वो रह गई, जो रहने की बात थी वो कह गया। वो क्या है ना चाची, मेरा जो चाचा है ना उसके बड़े भाई के छोटे भाई के छोकरे के बेटे की बेटी का सगा चाचा जो है ना उसका तीसरा बेटा जो है याया खान, उसकी तीसरी बीवी बाहर आई। अच्छा? बाल विधवा है, अपने तीसरे बेटे की शादी करके आई। कहाँ है वो? वो बाहर खड़ी है, मैंने उसको बोला अंदर आ, मगर वो शर्माती है। अरे पर यहाँ तो सब औरतें हैं। यही तो मैंने उसको बोला, अक्के गांव की औरतें बेशरम है, तू काहे को शर्माती है, मगर सुनती नहीं मेरी बात। तूने बराबर कहा। हाँ। बुलाओ उसे अंदर। बुलाओ। हाँ। ये हमीदा, ये हमीदा, ये आजा अंदर, ये मेरी माँ। अरे 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 संभाल के मेरी माँ, ये सब हिंदू लोग के उपवास का है, मेरी माँ संभाल के आ। चल बैठ जा बैठ जा। अरे 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 सारी सिवैया खा गई चाची, क्या बोलूं, जिधर जाती है सत्यानाश करती कम बखत। अरे ये देखेगी कैसे, इसको बुरखा उठाने के लिए बोल। अरे चाची मैं बोल बोल के थक गया हूँ। नहीं एक काम कर, ऐसे नहीं मानेगी ये, तू अपने हाथों से इसका बुरखा खोल और मैं एक शेर बोलता हूँ। अच्छा। चाची ने उठाया घूंघट तो घड़ी में 11 बजे थे, जब अंदर देखा गौर से थोबड़े पे 12। अरे क्या हुआ? मैं पकड़ लिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। अरे कुछ तकलीफ होती है क्या? अरे क्या हुआ?
छोड़ दिया, छोड़ दिया। पागल है। छोड़ दिया। जनक जनक पायल बाज। राजा, ओ राजा, राजा कहाँ गया? सारा दिन नंगा घूमता है। ए, 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 कौन है तू? ए, ए, हरिचरण सिंह, मेरा राजा बकरा कहीं देखा क्या? कहाँ गया? गया भाड़ में, हट गया। भाड़ में? ये भाड़ कहाँ आई? रानी, ओ रानी। राजा, ए राजा, चल चल घर चल। अरे ये मवाली यहाँ क्या कर रहा है? फट साले फट। ए गंगी, ए गंगी, ए खबरदार खबरदार, लाज मारी तो क्या करेगा रे? क्या करूंगा? हाँ हाँ, दोनों टांगे एक दूसरे से अलग कर दूंगा। करके तो देख, तेरी और तेरी इस बकरे की आंखें फोड़ दूंगी। हाँ, जब भी देखो मेरी बकरे का पीछा करता रहता है। तो क्या तेरा पीछा करेगा? अरे तेरी बकरी अगर इतनी इज्जत वाली है तो घर में बांध कर रख, वरना गड़बड़ हो गई तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। उसकी और मेरी उम्र एक है, इसलिए कहता हूँ। और अकल भी एक है। ऐसा कर, इसे किसी कसाई के हाथ बेच, वरना किसी एक दिन मैं इसे पटक पटक के मारूंगी। हाँ, पटक पटक के? हाँ, पटक पटक के मारेगी, मारूंगी। अगर तेरे में हिम्मत है तो ये डायलॉग मेरी माँ के सामने बोल के दिखा। अरे जा रे, अपनी माँ का डर किसी और को दिखा, मैं नहीं डरती। हाँ, अरे भले तू नहीं डरती, मगर तेरा बाप मेरी माँ का नाम सुनते ही सारा दुम दबा के यूं भागता है कुत्ते की तरह। देख गंगा, देख गंगा, मेरे बापू का नाम मत ले, वरना वरना नाम लेता है कौन? अरे एक दफा नाम लिया तो 10 दफा नहाना पड़ता है, वो भी डुबकी लगा के। तेरी माँ का थोबड़ा देखा ना, तो 4 दिन खाना नसीब नहीं होता है। चुप रे चुप, मेरी माँ का नाम मत ले, अपने बाप का सोच। साला इतना बुरा हो गया है फिर भी पुरानी आदत नहीं जाती। देखी हरियाली लगा चरने, देखी हरियाली लगा चरने, गधा साला बकरा। और तेरी माँ क्या करती है? क्या? इस उम्र में भी गहनों से लदी हुई पूरा गांव पीछे लेके घूमती है, नौटंकी की तरह लटक पटक के, बुड्ढी घोड़ी लाल लगा सारी बंदर। गंगिया, ये हाथ से तूने गंगी के मुंह पे मारा है थप्पड़, हाय हाय, आज मेरे आत्माराम को शांति मिल गई। दोस्त, मैं एक शेर बोले बगैर रेच नहीं सकता हूँ। दोस्त, ये तेरा हाथ नहीं है, हथौड़ा है जिससे तूने गंगी के थोबड़े को तोड़ा है। अरे ओम मम दिया, शर्म नहीं आती? एक मरद होके मरद का हाथ चूमता है? अगर चूम नहीं है तो मेरा चूम? तेरा क्या चूमू थोबड़ा? अरे ओ बकरे की औलाद, इतने चिकने चेहरे को तू थोबड़ा कहता है? ये थोबड़ा नहीं, ये तो मुखड़ा है, मुखड़ा जैसे चौदवी के चांद का टुकड़ा। अरे मारे बिजली भाई, आज तूने तो शेर के बारे में ममजा की लुंगी ऊपर कैसी है? ए ममजा, इस बात पे इसे कुछ फोकट में दे दे। आज क्या दो रे तेरे को? कुछ भी दे दे फोकट में। हाँ, अगर फोकट में देना ही है तो कपूर दे दे मेरे राजा। नहीं, चुप रे चुप। हाँ, मेरी माँ, ये ले 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 मेरी माँ। एक बात बता ना, आज तो इतना चमक रही को, तेरा जन्मदिन है क्या? मेरा जन्मदिन नहीं, वो गंगी की बकरी रानी है ना, उसका जन्मदिन है। उसके बाप ने तुम दोनों को छोड़ के अखे गांव को न्योता दिया है। हाँ, मैं चलूं? जानी ये, 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 ये। बकरी का जन्मदिन? ममदा, लोगों को घर में खाने के लिए दाना नहीं है और बकरी का जन्मदिन मना रहे वो। गंगिया, मैं एक शेर बोलूं क्या? बोल। बच्चे घर में तरस रहे हैं दाने दाने को, और उधर ईद आई है, माँ को रुला देखो, मुझे मालूम है ये शेर। मैं आज उसकी बकरी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? देख, ये गंगी की बकरी। ए ममदा, क्या है रे? अरे हाथ काटेगा ना मेरा? ए तूने मुंडी काटी क्या? अरे काटी, एक अच फटके में गुल कर डाली साली को, ऐसा काटा। फिर मुंडी किधर है? अरे मुंडी है ना, लुंगी उठा के देखना। अरे नहीं रे, इधर से नहीं रे,
पीछे से पीछे क्या मुंडी बोलती है मुंडी बोलती है क्या बात करता है मुर्दा मुंडी कभी बोलती है तू देख लेना सच्ची बोली ए गंगा बोरी बंदर अरे उसकी तो बकरी है है तो फिर ये मुंडी किसकी है गंगा अरे रात भर अपना बकरा घर नहीं आया अगर नहीं मिला तो तुम दोनों की मुंडी उतार दूंगी क्या दे दूं जाओ ढूंढ के निकालो बैठे यहाँ दुकान में आराम से जाओ ढूंढो बोलती है बकरा नहीं आया बक, बक, बकरा नहीं आया मेरी मुंडी किसकी है बकरे की लेकिन मैं पूछती हूँ बकरा गायब कैसे हुआ अरे उसको तो हम लोगों ने क्या 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 अब मैं तुझे अपने मामा के घर भेज कर ही रहूंगी देखो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं मुझे गांव में बहुत काम है वैसे तू तो बेकार है ना अरे मौसी मामा के पास जाएगी तो मोटर गाड़ी में घूमेगी तो क्या तेरे भाई के पास मोटर भी है लो एक मोटर है क्या अरे कारखाने है बड़ा पैसे वाला है और बाल बच्चा कोई नहीं फिर तू क्यों नहीं जाती दुर्गा बहन मैं और उसके घर जाऊँ अरे एक तो कृष्ण के साथ शादी की और खुद कृष्ण बन गया हर महीने मनी ऑर्डर भेजता है लेकिन मैं उसके फूटी कौड़ी को नहीं छूती हाँ घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराती है और मुझे कहती है मामा के पास जा मगर मैं गंगी को गांव को छोड़ के जाने वाला नहीं कह देता हूँ मैं तू नहीं जाएगा बिल्कुल नहीं जाऊंगा अरे तेरा बाप जाएगा चाची अरे चाची अरे जब देखो इसको मार चाची देख चाची देख कौन आया कौन आया ये लिफाफे के आजा अंदर आजा आजा पोस्टमैन तुझे कितनी बार कहा कि पोस्टमैन को मेरे घर में मत ले आ अरे चाची वही तो मैं भी बोला पर मैं क्या करूं मामा ने आपकी बार डबल माल भेजा डबल अच्छा खड्डे में डाल मुझे नहीं चाहिए उसके पैसे अरे चाची कैसी बात करती तू पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी कभी ना कभी किसी न किसी को जरूरत पड़ी जाती है देख अब ये तेरा घर है ना कितना जूना पुराना हो गया है पुराना हो गया अब इसको तो जलाना है ना बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा ना उसके लिए पैसे लगेंगे ना हाँ अबे अपना गंगा देख कितना जवान हो गया ना अभी इसकी शादी करनी पड़ेगी ना ये लुंगी छोड़ करनी पड़ेगी ना अब उसमें पैसे लगेंगे ना हाँ अब तेरा क्रियाक्रम भी तो करना पड़ेगा क्या बोला कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा ना चाची और माई घर आई हुई लक्ष्मी को मत लौटा बाद में मिलने वाली नहीं है लेना मैं लेना आपकी बार लेना ले लो ले ला ले ले ला ला ले चाची अरे 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 चाची अरे 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 लक्ष्मी चल गई बाप रे ऐसे सब चाची अरे बाप रे चाची पैरवा भी गया ए गंगी सीधी तरह से पीछे लाइन में लग जा अच्छा हाँ हाँ ये तेरी चांदी की कलसी किसी और को दिखाना हाँ मेरी समझी आज तू सबसे आखिर में पानी भरेगी लगता है गांव में नई नई आई हो नई हो या पुरानी नंबर पहला मेरा है सबसे पहले पानी मैं भरूंगी अरे बोरे बंदर एक झापड़ा दूंगी ना तो पानी भरना दूर पानी पीना भी नसीब नहीं होगा समझी चल हट नहीं हटूगी बुला तेरे बाप को मेरे बाप का नाम लेती है छोड़ छोड़ मेरे बाप का नाम लेके साले ये बराबर बच्चा दिखाऊंगी गंगी कुएं में गिर गई अरे कुआं तो गिरने के लिए ही होता है इसलिए गंगी बाबा गंगी गिर गई चलो चलो उसके बाप को बोलेंगे सियावर रामचंद्र की गंगिया मैंने मैंने से कुएं से निकाला मैंने इसकी कमर में सोने का पट्टा था किधर गया
बट्टा मुझे मालूम नहीं, मैंने नहीं निकाला। वही पूरे 20 तोले का था, किधर गया? मुझे मालूम नहीं, सच्ची मैंने नहीं लिया। हाँ हाँ हाँ, तू इस तरह नहीं बोलेगा। जेल में जब दारोगा का डंडा देखेगा वो सब कुछ उगल देगा। दारोगा? मैंने कह दिया ना कुछ नहीं हो सकता। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ दारोगा साहब, चोरी जैसी नीच हरकत गंगा करिच नहीं सकता है। वो सोने का पट्टा किधर गया? मैंने चुराया? हो सकता है। क्या हो सकता है? वो कुएं के अंदर गिर गया हो। गंगा ऐसा काम करिच नहीं सकता। मेरे को बकरे के गुर्दे की कसम है, मैं गंगा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो आपका क्या पकड़ू? क्या आपका पैर पकड़ू? क्या पैर? नहीं कोई जरूरत नहीं, 5,000 रुपए जमानत रखो और उसे छुड़ा कर ले जाओ। इतना? 5,000। 5,000? हाँ। ये रखो। ये क्या? ये एडवांस है, 2 रुपए। हाँ, बाकी का बाद में आके देता हूँ, इसको गिन लेना। अच्छा, 5,000 में 2, बाकी रहे 3,000। गंग्या, गंग्या। अरे माई तू आई? तूने तो अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे मिट्टी में नहीं, इज्जत बढ़ा दी। बोलो, जो भी आदमी जेल में आता है बाहर जाके नेता बन जाता है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉन फर्नांडिस जेल में जाने के बाद नेता बन गए, समझी? मैं सच बोलूं, तू भी जेल में आ जा। बाहर जाते तू सरोजिनी नायडू बन जाएगी। अरे हाँ, ये तो सचमुच सोने का है। जी हाँ, ये पट्टा मेरा है, मेरे घर में था, मेरे बापू को गलतफहमी हुई थी। तेरा है? जी। तो जरा लगा कर तो दिखा। मुझे नहीं, मुझे नहीं। तो? अपनी कमर को। आप ही लगाई ना? मैं कोई शहरी पुलिस थोड़े ही हूँ, मैं तो गांव का इंस्पेक्टर हूँ। मैं औरत को हाथ नहीं लगाता, खास करके पुलिस चौकी में। अच्छा? हाँ। देखो। अरे वाह, ये तुम्हारा ही है, बिल्कुल फिट बैठा है, कमर भी अच्छी है। छोड़ा। हाँ, छोड़ दिया। गंगाराम को छोड़ दो ना। हाँ, सीताराम, गंगाराम को छोड़ दो। हाँ, तब तक तुम यहाँ दस्तखत करो, मैं केस यही खत्म कर देता हूँ। चलो गंगाराम, बड़े साहब ने बुलाया है। आज अगर गंगाराम मेरी जान नहीं बचाता ना, तो मैं ऊपर ही जाती। नहीं 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 नहीं, ऊपर मत जाना, ऊपर तो मैं रहता हूँ। देखो गंगाराम, गंगी ने केस उठा लिया, अब तुम जा सकते हो। नहीं, वो तो ठीक है, मगर आपकी डंडे की कसम मैंने चोरी नहीं की। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम हो गया, इसने बता दिया, तुम जाओ। अरे इसे धन्यवाद तो देते जाओ। मैं तो आपका धन्यवाद तो मैं देख लूंगी। तू चल चल चल। अरे सुन, अरे पीछे मुड़कर क्या देखता है? मैं उसको थोड़े देख रहा हूँ, मैं तो साहब का डंडा देख रहा हूँ। मुझे मालूम है, चल। अरे ये क्या? ये है जमानत, 500 रुपये का एक बकरा है। क्या? कहां से जाहिल लोग चले आते? अबे किधर जा रहे ला बाप, तेरे से पहले 13 पोस्टमैन लोग जा चुके। कितना? 13। और तेरा नंबर क्या है मालूम? क्या है? 14वां। 14वां? हाँ, 14वां। अभी मेरे को अंदर देखने दे, चाची क्या कर रही है। दे दे, क्या देना घोचू? अरे बक्सा, ये क्या? अच्छा तो ये तेरी करतूत है क्या? हवाई जहाज से फेंकता है, लेकिन याद रख, तेरी एक चीज नहीं रखूंगी। ये गया भाड़ में, ये गया पानी में, ये गया मट्टी में,
ये गया चूल्हे में, ये ऊपर से फेंकता है, और ये ले तेरे कफन के लिए। खत्म। कपड़ा इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कफनी कहते हैं। कैसे दिखता हूँ मैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिखता हूँ ना, एकदम हीरो जैसे। जा जा जा, बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा तो ये सब तेरा काम है क्या? हाँ चाची। चाची चौधवा भी गया। महाजन, महाजन, आप गांव के इतने बड़े महाजन, लेकिन आपको कोनो कुत्ता नहीं पूछ रहा है। चारों तरफ गंगा राम के जय जयकार हो रही है। कब तक होगी? घबराओ नहीं बेटे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं क्या करने वाला हूँ? अरे पहले तो मैं उसकी जमीन ही हड़प कर लूंगा। उसकी जमीन की फिक्र छोड़ो, अपनी जमीन की फिक्र करो, नहीं तो जिंदगी भर छाती पीटते रह जाओगे। अरे बकना क्या है, बोल बोल। गंगाराम ने अपनी चार कुएं वाली जमीन बाहर पीड़ित लोगों में बांट दी है, और उसके ऊपर उन्होंने अपना मकान भी बना लिया है, और उसके ऊपर उसने अपना नाम भी लिख दिया है, गंगाराम नगर। गंगाराम नगर। अबे ओ गंगिया, जमीन लोगों को दे रहा है, तेरे बाप की है क्या? महाजन, जमीन किसी की बाप की नहीं होती, जमीन का बाप बैठा है ऊपर, और उसने कहा है सब भूमि गोपाल की। अबे तो अपनी दे देता। मैं तो अपनी ही देने वाला था, मगर उन लोगों ने कहा कि हम महाजन की ले लेंगे। मैंने बोला ठीक है महाजन की ले लो, उसमें कुआ भी है, और आप ना तो नहीं बोलने वाले। अरे ये भी कोई तरीका है? माल बंदर का और बिल्ली चूहों का दावा दे रही है। देख गंगाराम, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, सीधी तरह जमीन वापस कर दे, वरना। वरना क्या करोगे, जमीन लेके करोगे भी क्या? आपको हल चलाना आता है, बीज बोना आता है, फसल काटनी आती है? आती है क्या? काम करते कोई और मलाई खाते आप? अरे हराम की खाने से नरक में जाओगे महाजन। अरे मुझे नरक का कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तू नरक की बात मत कर, तू तो एक बार नरक में भेजेगा ना, हम तो महाजन को 10 बार नरक में भेजेंगे, 10 बार। अबे क्या लगता है? ए, देखते जाओ, मारो सालों को। ए, ये क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा है ये? अरे तू बीच में काहे को आया है? बीच में बोलना मेरा काम है, जब दो आदमी आपस में लड़ते हैं तीसरा आदमी बीच में बोलता है कि नहीं बोलता है? हम इधर फैसला करने को आया। क्या फैसला है तेरा? ए सुन तो ले गंगिया, तू तेरे घर को जा, महाजन तू तेरे घर को जा। अरे ये कैसा फैसला है, जमीन इसके बाप की है क्या? नहीं तो क्या तेरे बाप की है? अरे बाप का नाम लेता, मारो साले को, मारो मारो। फिसलता
अबे चल जा उस पे चल जा। कूल। मैं नहीं बोलूंगी। अरे सुन तो ले। मैं नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी। सुन तो ले मैं क्या कह रहा हूँ, जरा सुन तो ले ना। पहले बता तूने मेरे बापू को पत्थर क्यों मारा? देखो मैंने जान मुझके थोड़े ही मारा है क्या, मैंने आग बंद करके पत्थर फेंका था, अब तेरे बापू को लग गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? और तेरे बापू को इतने अकल नहीं है क्या सर बचाने की? क्या? नहीं नहीं, वो पत्थर को अकल नहीं क्या? साला बराबर लग गया पत्थर। अरे हाँ, पत्थर से बात निकली इसलिए याद आ गई, मैं बोल गया एक बात। देखो अपने पीछे पानी है ना, कितना पानी है वो पूरा बर्बाद हो जाता है, इसके ऊपर अगर पत्थर का बांध बांध दिया जाए तो 12 महीने गाँव को पानी आराम से मिल सकता है, पर मेरी सुनता है कौन बांध के लिए? तुझे तो सिर्फ पानी की फिक्र है। पानी नहीं, अरे पानी की तो सबको फिक्र होती है, तुझे भी पानी की जरूरत है कि नहीं बोल, है कि नहीं? हर एक इंसान को पानी की जरूरत होती है मगर बोलता नहीं शर्म के मारे, खाली मैं अकेला आदमी ऐसा हूँ कि पानी की जिक्र करता हूँ कि पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए। मतलब तो फिर बांध है ना, बांध। हाँ ये मैं बोलता हूँ कि बांध बांध, इतना बड़ा, अरे ढेर से पैसे लग जाएंगे। मैं दूंगी, तू जब मांगता है तो मैं देती हूँ ना। क्या पैसा? पैसे मैं तो कुछ और ही समझा। क्या? और यानी गहने समझा, गहने। मैं दूंगी तू लेते जाना, मैं दूंगी तू लेते जाना, मैं दूंगी तू लेते जाना। ए, तू देना बैंक है क्या? चाची ये जात पात कौन बनाया चाची? अरे भगवान ने बनाई, और किसने? नहीं चाची, भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने खाली इंसान बनाया, और इंसान में से जो हलकट लोग थे ना वो लोग जात पात बनाया सब। अरे तो हमेशा हलकट हलकट बोलता है, ये क्या है रे? हलकट नहीं मालूम तेरे को? बेहया, बेशरम, बदतमीज, लुच्चा, लोफर, हरामखोर, हरामी, वही वही तो हलकट होता है, वही लोग हलकट है, हलकट हलकट है, वही लोग जात पात बनाया। अरे बनाई होगी, तुझे उससे क्या? वो तो बोला ना, मैं मेरे एक लफड़ा है। लफड़ा? हाँ शादी का। अच्छा तो तूने कोई लड़की देखी है? अरे कर ले शादी। वो तो वांदा है ना। क्यों? देख चाची वो जो छोकरी है ना वो मद्रासन है, मद्रासन। हाँ। और मैं हूँ कसाई। हाँ। अब तू बता हम दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी? अरे निकाह कर ले। अरे चाची भाई तो तैयार था निकाह करने के लिए, लेकिन वो छोकरी है ना। हाँ? बहुत हलकट है, बहुत आराम खोर है। हाँ? वो मेरे को क्या बोलती है मालूम है? हाँ? वो मेरे कुछ मद्रासी बनाने को देखती है। अच्छा। हाँ अभी तो सोच। हाँ? भाई तुम्हें पहले से ही आधा। हाँ? आधा एकदम। ऊपर हाँ? से लूंगी मेरी आधी हो जाएंगी। हाँ? तो दो आधे मिलके मैं पूरा क्या बन जाऊंगा। हाँ? और जब पूरा बन जाऊंगा तो भिंडी बाजार वाले जो है ना वो काला कांडी खा के मेरे मुंह पे थूकेंगे। माफ करना चाची, माफ करना, माफ करना। देख तू शादी कर ले। हाँ चाची। मैं देखती हूँ। हाँ चाची। कौन तेरा बाल बाका करता है। हाँ? कर ले शादी। वही तो मैंने बोला था चाची। हाँ? मैंने बोला था मैं पहले जाके जरा चाची से बात कर लेता, उसके बाद तू मेरे पीछे पीछे आ जाना। अभी आती होंगी चाची, अभी आती है। आ गई आ गई आ गई। ए मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हरा इंगे वा अम्मा, इंगे वा नान उन्ने खादल करे अम्मा। अयो अम्मा क्या चाल है मेरे मद्रास का? मद्रास चाची को नारियल दे। अरे सार अभी चाची का पैर पकड़ के खींच ले। आ, 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 चाची का पैर छू ले छू ले। अरे सार अभी चाची को खिला दे लड्डू। अरे सार फूलो फलो और मेरे बेटे को सुखी रखो। हाँ? इसका मतलब मंगनी हो गई। तू है क्या? हाँ आज से गंगा मेरा हो गया है के नहीं? गंगा मेरे गंगा को क्या तूने गाजर उली समझा है? हाँ तो 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 क्या हुआ? गंगा को मैं पसंद हूँ और वो मुझे। बात खत्म। देख दुर्गा बहन अपुन को तो बकबक करने की आदत नहीं, खाली दहेज कितना लेके बोल। दहेज और तेरा बाप देगा क्या? अरे उसका बाप तो लाख देगा लेकिन लेने वाले को शर्म आनी चाहिए ना। तू लेगी जेल जाएगी, सरकार ने कानून बनाया दहेज लेने वाला जेल जाएगा, चक्की पीसेगा। तू यहाँ खड़ी क्यों है? चल निकल जा यहाँ से। अगर गंगा ने देखा तो तेरा नखरा एक मिनट में उतार देगा। अरे ओ क्या बोलेगा बोरी बंदर, उसी ने तो हमें यहाँ भेजा है। और कहा मेरी माँ काली कलूटी है, नहीं नहीं काली कलकत्ते वाली है। इसके
आगे जाके पैर छूले वो तेरी मनोकामना पूरी तरीके बोला कि नहीं क्या? मैंने अपने कानों से सुना था। अरे 40-50 बस। बेशरम चोटी कहीं की। अरे मैं बाहर का माल अंदर करता हूँ और तू अंदर का माल बाहर करती है। बनिए की बेटी होकर कहती है मैं देती हूँ, तू लेता जा, और वो भी उस कमीने गंजिया को। खैर जा तू, उस कमीने का हलवा तो मैं बाद में टाइप करूंगा, पहले तुझे बंद करता हूँ। चल चल, अरे चल चल। बैठ के गाना गाता रहेगा, बर्तन मांजता रहेगा, कुछ सोचेगा भी क्या हुआ? अरे वो गंगी है ना, उसको महाजन ने अंदर कर दिया। भालू अरे अंदर कर दिया गंगी को। अभी वो पैसे का क्या होएगा? वो बांध बनाने वाला था ना तालाब, उसका क्या होएगा? तो लफड़ा हो गया, गंगी को बंद कर दिया। तो क्या हुआ गंगी का? तू कुछ सोच। मैं क्या सोचूं? अरे गंगी का नहीं, तालाब का सोच। हाँ तालाब का, तू ऐसा कर, तू गंगी का सोच। हाँ। मैं पैसे का बंदोबस्त करता हूँ। पैसे मिल जाएंगे मेरे भेजे पे, तेरा भरोसा नहीं? बोल। अरे दोस्त तेरा भेजा नहीं शामी कबाब है। हाँ। जैसे हिंदुस्तान में बाई करुबाब है। गंगा ने तो मुझे कंगाल बना दिया, अब मैं उसे इसके मामा के कारखाने में गाड़ कर ही दम लूंगी। तेरा भाई कृष्ण बना हुआ है ना, उसमें तेरा क्या गया? हाँ कृष्ण ही बना है ना, और आजकल जात पात को कौन पूछता है? एक बार गंगा को तो पूछ के देख ले। अरे मैंने जिंदगी में उसके बाप को कभी नहीं पूछा, तो उसको क्या पूछूंगी? अब मैं उसे मामा के घर भेज कर ही रहूंगी। अरे जाने दे, बच्चा है जाने दे। क्या रे मम्मिया? तेरे को चार मुंडे, हाँ। तीन कान, 12 आंख, 6 दुम और 36 पाए वाला मकरा देखने का क्या है? ऐसा कभी बकरा होता है क्या? अरे होता है क्या, है अंदर, है अंदर, काटने से पहले देख ले। और उसको वो दो है? हाँ दो है। सच? हाँ चल देखेंगे। हाँ चल, ये रख, चल देखना ही पड़ेगा। चल चल, एक बकरे को दो, बड़ा है क्या? देखना कितना बड़ा है तेरे जैसा। अरे अंदर इतना धामधूम क्या चलता है रे? धामधूम? हाँ अंदर बकरा बकरी का रेप सीन चल रहा है, तेरे को क्या करने का है? मेरे को मटन मांगता है। मटन मांगता है? हाँ। कितना मांगता है? ये बकरे का भाव क्या है? बकरे के भाव से तेरे को क्या करने का है? गोचू तू बताना कितना मांगता है। मेरे को आधा छटक मटन मांगता है। आधा छटक मटन मांगता है? आता ना जाता तबला बजाता, तबले पे पैसा रानी बाग के जैसा। फट फट, आधा छटाक मटन चाहिए साला, हल कट लो किधर का। क्या पंखिया? अरे गंगिया तू क्या दिखता है रे? हाँ पंखिया दिखता है एकदम। चल उठा, अरे उठा ना तेरा डब्बा हो। चल आजा। बदन को चल। ये गंगिया क्या करता है, क्या करता है? सुर बदल जाएगा तेरा, वो बम्बू तकलीफ देगा तेरे को। चल पलट। गंगिया गंगिया, गंगी का घर किधर है? इधर इधर है ना। तेरी मुंडी किधर है? उधर है। तो मुंडी ये बाजू करना। मान लिया तुमको, मुंडी के बारे में तू तो एकदम उस्ताद है। मास्टर है ना। चल उठा, मुंडी के बारे में तू तो उठाना। उठेगा? हाँ क्यों नहीं उठेगा, मैं पकड़ता हूँ। देखो हाथ भी खुले है, मर जा बच्चा हूँ, छोड़ दे। छोड़ दे, हट जा, छोड़ दे। मर्द का बच्चा है ना, है मर्द का बच्चा। चल चल।
चल निकल, निकलो हाँ निकल, बराबर पकड़, धन्ना नहीं, मैं नहीं डरता, चल तू निकल। अबे अड्डा हो गया है, जो मुझसे टकराता है, आइंदा मुझसे टकराया तो लोकी से बाहर निकाल दूंगा। बड़ी साई, ये कहीं गंगा तो नहीं था? नहीं, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे वो साले क्या मजाल जो मेरे घर में कदम रखे। अरे बड़ी पूरे गांव में गंगा ही तो है जो हमेशा तुमसे टकराता रहता है। टक्कर मुझसे और मेरे घर में। गंगी, अरे क्यों गंगी की तरह अड़ियल होता जा रहा है? हाँ मैं समझ गया, तू मेरे हाथ से नहीं खाएगा। तुम सच्ची बंबई जाओगे? जब माई ने कहा तो जाना ही पड़ेगा ना, मगर तू चिंता मत करना, मैं धिड़िंग गया और पुड़िंग आया। अगर नहीं आए तो? ऐसे ऐसे होगा, मैं जरूर आऊंगा, समझो मैं नहीं आया तो तुम ही आओगी। नहीं आओगी तुम? आओगी अबे मुझे बस था गंगी, ओ गंगी। अरे अरे मुझे टकलू अबे बड़ा चालू है तू। चिल्ला मत खोपड़ी, ऐसी और कितनी खोपड़ियां हैं वहाँ? उसका तो मुझे पता नहीं, मगर मेरे हाथ में सिर्फ आपकी खोपड़ी आ गई है। नहीं नहीं, आपके हाथ में जो खोपड़ी है ना वो मास्टर जी की है। मास्टर जी की? हाँ। वो जो पिछले चुनाव में महाजन के खिलाफ खड़े हुए थे? हाँ वही मास्टर जी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये खोपड़ी मास्टर जी की है? उसी चुनाव के वक्त मैंने मास्टर जी के माथे में तिलक लगाया था। हाँ। देखिए ना अभी तक वो तिलक है। हाँ। और ये सोने का दांत, पूरे गाँव में मास्टर जी के मुँह में ही सोने का दांत था। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा सबूत मिल गया। अब मुझे पता चला कि महाजन के खिलाफ जाने वाले लोग कैसे अचानक और कहाँ गायब हो जाते थे। देखो गंगी, तुम्हारे पिताजी को मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा अभी इसी वक्त। नेक्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो आप तक पहुंचे।